vlog which is quick trip with me. I am going to give a tour of. देखिए अभी बकरीद एंड ईद मतलब बकरीद और राखी वैसे बैक टू बैक बहुत सारे फेस्टिवल का सीजन ही स्टार्ट हो चुका है. फेस्टिवल का सीजन स्टार्ट हो चुका है तो मतलब होने वाला है. तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको ऐसे जगह का टूर दिया जाए जो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हो. और लड़कियों को तो शॉपिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो मैंने सोचा आज आपको एक शॉपिंग के प्लेस का टूर दूँ. तो मॉल में हर एक जगह इस मॉल में तो हर कोई शॉपिंग करता है लेकिन किसी भी जगह को एसेंस अगर आपको पाना हो तो वहाँ के लोकल मार्केट्स में जाके शॉपिंग करने में अलग ही मज़ा आता है. एंड मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यही होता है कि लाइक जब तक मैं ऐसे गलियों वाली शॉपिंग ना करूँ तब तक मेरे को शॉपिंग में मज़ा ही नहीं आता. यहाँ मैं आज आपको टूर देने वाली हूँ पटना मार्केट का. तो वाह आई होप आपको बड़ा मजा आने वाला है. आई होप के साथ में बड़ा मजा आएगा इस ब्लॉग को देखिएगा. मेरे को बहुत पहले से मन था कि पटना मार्केट का टूर दूँ बट ड्यू टू कोरोना मैं नहीं दे पा रही थी लेकिन आज मैं आपको पटना मार्केट ही चलती हूँ. आई एम ऑन माई वे टू पटना मार्केट गाइज. और ये गांधी मैदान वाला एरिया है ये गेट नंबर 1 है और इसके जस्ट अपोजिट साइड आपका रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट जो यहाँ रहते हैं जानते होंगे. और ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा मेरा फेवरेट जगह है. मतलब क्यों है वो आपको वीडियो में आगे पता चली जाएगा. ये बहुत ज़्यादा ग्रीनरी प्लेस है वो तो रीज़न वो तो बात है ही लेकिन ऐसे भी बहुत ज़्यादा मेरे को पसंद है ये जगह. और अभी जो आपको पेंटिंग देखेगी ना ऐसी इसको बोलते हैं मधुबनी पेंटिंग. और ये मधुबनी पेंटिंग है बेसिकली बिहार का पेंटिंग बोला जाता है और ये काफ़ी सुंदर होता है. पटना के आपको सड़क पे ऐसे वॉल्स पे पेंटिंग आपको ऐसे देखने को मिल जाएगी. और यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे तो गांधी संग्रहालय है. इसका भी टूर मैं आपको जल्द ही देने वाली हूँ लेकिन अभी बंद है. और ये हमारा सभ्यता द्वार जिसका टूर मैं दे चुकी हूँ. जिन्होंने नहीं देखा है अभी जाइए मैं सबसे पहला वीडियो उसी का है जाके अभी टूर देखिए सभ्यता द्वार का. बहुत मज़ेदार टूर था वो मेरा पहला वीडियो था जो मैंने ऐसे बाहर जाकर शूट किया था. एंड यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे तो आएगा क्या पता है आपको मेरा फेवरेट प्लेस. आपको पता लगेगा कि मेरा फेवरेट जगह क्यों है. मेरा फेवरेट प्लेस यानी कि मेरा स्कूल. ये यहाँ से अभी आप लेफ्ट साइड देखोगे तो एक चर्च दिखेगा वो मेरा स्कूल है. लाइक वो मेरा फेवरेट प्लेस है और इस वजह से मेरे को जगह बहुत पसंद है. ये देखो ये चर्च दिख रहा है ना ये मेरा स्कूल है. इसका भी टूर मैं जल्दी से परमिशन स्कूल तभी अगर परमिशन ये सब कुछ मिलती है तो मैं आपको ज़रूर से ज़रूर इस जगह का टूर दूंगी. मेरा स्कूल का टूर बिकॉज ये तो मेरा फेवरेट प्लेस है. मैं हमेशा से चाहती हूँ इस जगह का टूर देने का और ये काफ़ी सुंदर भी. अगर आप चाहते हैं मैं आपको इस जगह का टूर दूँ तो प्लीज़ मेरे को कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. और मैं बहुत ट्राई करूँगी कि मेरे को परमिशन मिल जाए स्कूल से कि मैं आपको टूर दे सकूँ. और इस वजह से भी यह जगह मेरे को बहुत पसंद है. और इस लेन में आप स्ट्रेट जाते हो तो आपका पटना मार्केट आता है. और इधर साइड आपको बहुत ज़्यादा पुराने पुराने घर देखने को मिलेंगे बिकॉज ये काफ़ी पुराना जगह है. तो आप देख ही सकते हो कि ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन में इधर. और ये कैथलिक चर्च भी क्रिसमस के टाइम में इधर बहुत सुंदर लगता है बिकॉज चर्च ही चर्च है ना इस वजह से. और ये है सब्जी बाग. ये मतलब ईद के समय में तो ये सब्जी बाग की हालत खस्त रहती है आप जा ही नहीं सकते हो मतलब. और इधर साइड आप अपोजिट साइड देखोगे तो ये है बहुत पुराना डाकघर मतलब पोस्ट हाउस आप बोल लो. तो इधर साइड आपको हर एक चीज़ काफ़ी पुराना पुराना मिलेगा. और ये आप घर देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि इधर कितनी पुरानी पुरानी चीज़ें आपको देखने मिल सकती हैं ये सारी चीज़ें. और ये लो हम आ गए पटना मार्केट. और पटना मार्केट जस्ट अपोजिट ये है अंजुमन. ये वेडिंग हॉल है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है. और ये अब हम पटना मार्केट के अंदर जा रहे हैं. पटना मार्केट में आप एंटर करते ही आपको बहुत सारी खाने की चीज़ें मिल जाएंगी. यहाँ मैं वही बता रही हूँ लेकिन ड्यू टू कोरोना मैंने कुछ भी नहीं खाया बिकॉज यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है गाइस. आप नॉर्मल डेज पे भी जाओ या फेस्टिवल के समय पे तो बात ही छोड़ दीजिए. आप देखोगे आप कितनी भीड़ है जबकि आज बारिश हुई थी तब भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी. लेकिन आप नॉर्मल डेज जाओ फेस्टिवल के मौके पे जाओ आपको पटना मार्केट में जगह नहीं मिलेगी बिकॉज यहाँ पे बहुत भीड़ होती है बहुत ज़्यादा ही भीड़ होती है. चलिए बकवास गम करते हुए अब मैं आपको टूर देने शुरू करती हूँ पटना मार्केट. हम स्ट्रेट नहीं जा करके लेफ्ट टर्न कर रहे हैं बिकॉज हमें पहले काम इधर साइड का था. और इस एरिया में इस लेन में आपको काफ़ी अच्छी अच्छी चूड़ियाँ कॉस्मेटिक के आइटम्स फुटवेयर इनफैक्ट इधर ही लेन में आपको हर ज़बरदस्त की सुंदर सुंदर फैब्रिक मिल जाएगी जिससे आप लहंगा गाउन कुछ बना सकते हैं. अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगी. एंड काफ़ी अच्छे फुटवेयर के कलेक्शंस भी मिल जाएंगे. ज्वेलरी के भी कलेक्शंस आपको मिल जाएंगे जैसे आपने देखा. और ये जो लेन है ये जो गली है ये पूरा टेलर गली बोलते हैं. इसमें आपको हर एक अच्छे दर्जे के टेलर मिलेंगे जो कि आप कोई भी डिज़ाइन दो वो आपको बनाकर दे देंगे. यहाँ पे नॉइस की प्रॉब्लम है एंड नाउ वी आर एट द शॉप जहाँ से हम लोग चुनेंगे. इस शॉप पे तो फिक्स प्राइस थी अब लेट्स सी आगे वाले शॉप पे क्या होता है. अब हम उस शॉप से निकल गए हैं. अब हम जा रहे हैं जहाँ पे आपको फैब्रिक दिखाएंगे बहुत अच्छे अच्छे फैब्रिक होते हैं. और इस लेन में भी आपको फुटवेयर के काफ़ी अच्छे कलेक्शंस मिल जाएंगे. और अभी हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे आपको इतने अच्छे अच्छे फैब्रिक मिलेंगे आप उसे कुछ भी बना सकते हो. ब्लाउज लहंगा गाउन दुपट्टा हर एक टाइप का फैब्रिक मिल जाएगा. प्राइस तो हम ऊपर नीचे करवा ही लेंगे इसमें तो हम लड़कियाँ माहिर होती हैं.
और ये फैब्रिक मेरे को बहुत ज़्यादा सुंदर लगा था। गाउन बनाओ, लहंगा बनाओ, जो बनाना बनाओ। क्या क्या बनाना है ना? गाउन बनाओ, लहंगा बनाओ, जो बनाना बनाओ, ब्लाउज बनाओ, टॉप बनाओ। आप लीजिए कि नहीं कुछ? और आगे और चिल्ला जरूर लेंगे ब्लॉग शूट कर लो। अब हम फैब्रिक मार्केट से बाहर निकलते हुए फैब्रिक वाले जो एरिया था स्पेशली, आपने देखा है कि जिस तरह से फैब्रिक आदत की है ना, मेरे को बहुत सुंदर सुंदर लगे सारे सारे। और अब हम आपको टूर देंगे पटना मार्केट की टेलर गली का, और इस टेलर गली में आपको मैं दिखाऊंगी कितने सारे टेलर की शॉप है, इस वजह से उसको टेलर गली कहा जाता है। और इसके अंदर, इस लेन के अंदर, इनफैक्ट पटना मार्केट में आपको हर वेराइटी की चीज़ें मिल जाएंगी, लेसेस जो आप सूट पर लगाते हैं, पैचेस एंड ऑल, कॉस्मेटिक। और टेलर तो इतने उम्दा हैं, आप कोई भी डिज़ाइन दो वो आपको बना कर दे देंगे, वहीं से कपड़े लो वहीं पे बना दो, वहीं पे बनाने के लिए भी दे दो। मिली, अब ये कौन सी गली है? हा? ये कौन सी गली है ज़रा बताना। ये तो गली है जिसे आप ऐसे अंदर अंदर घुस के भी शॉपिंग कर सकते हैं, यहाँ पे शांति मिलेगी। कैसे कैसे? अंदर अंदर घुस के। नाउ वी आर एट शॉप, जहाँ पर से अभी हम कुर्ती का कपड़ा लेने वाले, कुर्ती पीस नहीं है, कॉटन कुर्ती का पीस, तो आपको दिखाते हैं। मैं तुमको फोटो लेने की जरूरत है यार, पूरा ब्लॉग बना देते हैं, आंटी देख लेंगी। This is one kurti. हाँ, ये कितना डिफरेंस आ रहा है देखो, यहाँ पे क्या कलर है, यहाँ क्या कलर है। अरे मेरे कैमरा में, हाँ वही दिखा रहे हैं कितना डिफरेंस आ जा रहे हैं। लो किसी का ये ऐसे में। And here you can get the shimmery type का also. हेलो, ये 265 रुपये मीटर है। आपको कॉटन के कपड़े का हर वेराइटी मिल जाएगा, लाइक सूट पीस है कपड़े का, एंड द कलेक्शन इज वेरी वेरी गुड। और ये नया रास्ता काफ़ी ज़्यादा, और मिली कुछ बताओ। और यहाँ पे गली में ना काफ़ी अच्छी चीज़ें, कोल्हापुरी चप्पल, कोल्हापुरी जूती, बहुत मैंने ली है काफ़ी बार ईद के टाइम पे, जब मेरे को अपने फ्रेंड के घर जाना था ईद पे। हाँ, और ये गली में तो इसी गली में, हाँ इसी गली में गई थी, पूरे कोल्हापुरी जूती हो गई। और वो अंकल तुम्हारे पैर को देख के कैसे बोल रहे थे, तारीफ किया था, जितना सुंदर है नहीं उतनी ज़्यादा तारीफ करती, बस लेने के मतलब कि तुम एक्सेप्ट करती हो कि मेरा पैर बहुत घटिया दिख। नो, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। और इसमें ये भी टेलर का ही है, इसमें भी टेलर का ही शॉप है, एंड यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शरारा मिलते हैं आप देख सकते हैं। हाँ, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत खूबसूरत। और ये पूरा एरिया सूट एंड ऑल, यहाँ पे आपको हर वेडे का इंडियन ड्रेसेस मिल जाएगा। बकरी के टाइम काफ़ी भीड़ एंड काफ़ी ज़्यादा भीड़ है बकरी की। अभी शॉपिंग चल रही है, बकरी का मौसम है ना, तो काफ़ी भीड़। और हम मिली क्या 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 वो लिली है, तो हम मिली है, लिली मिली। और ये आमना आरिफ मिली की बेस्ट फ्रेंड है ये, शुगर चोर। आपको बहुत सारे शॉप में बोलेगा कि सिक्स पैर, लेकिन सुनती है अपने बातों में मोल्ड करने की कोशिश करेंगे तो जल्द कम जरूर पैसा, वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कम करते हैं, तो वो कम हो जाएगा। आप यहाँ से आइडिया लेके जा सकते हो, बनवा सकते हो। हाँ, बात तो सही है, यहाँ पे हम लोग तो वही करते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे कलेक्शन मिलते हैं, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन आप अपने से कम करवा सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी कैपेबिलिटी है कि कम करवा सके। और ऐसे तो आपको यहाँ पे बड़े अच्छे ट्रेडिशनल ड्रेसेस मिल सकते हैं, मिलते हैं, शरारा ना। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, पटना मार्केट में बहुत अच्छी छोटी छोटी बदली गलियाँ हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते शॉपिंग कीजिएगा, बिकॉज उसके अंदर भी काफ़ी अच्छे कलेक्शंस है। और अगर कोई भी पटना मार्केट बहुत पहली बार विजिट कर रहा है, या फिर अगर आप पटना आते हैं, तो पटना मार्केट ज़रूर विजिट कीजिए, बिकॉज यहाँ बड़े अच्छे कलेक्शन हैं इंडियन ड्रेसेस के। शॉपिंग करके निकलेंगे तो बाहर में भी आप वापस जा रहे स्टॉल्स मिल जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। और आई होप आपको मेरा ब्लॉग बड़ा पसंद आया हो, और बहुत मज़ा आया है इस ब्लॉग को देखने के बाद। तो
तो अगर मजा आया हो और अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक शेयर टू माय YouTube चैनल बच्चों को एक ट्रिप मिली अब मैं शेयर क्या करूँ यार और सब्सक्राइब भी कर दो और लाइक भी कर दिया कीजिए आप लोग एंड कमेंट भी करके बताइए कि कैसा लगा मेरा ब्लॉग टिल देन बाय बाय।